आओ चलो देखते हैं। मामा मत करो, चुप रहो, बिल्कुल देखने दो ध्यान से। इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो, मैं सच बता रही हूँ। वेलकम टू द शो, आई होप यू गाइस आर गुड। अरे मैं बिल्कुल चुप रहो कृतिका, देख लेने दो। अगर आप देखो, अब तो चल चुकी है, अब बिल्कुल चुप रहो। गाइस देखो, 3 साल पहले की है, ठीक है? 2 साल पहले की है, ठीक है ना? वो 1 साल बाद डाला है उसने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 3 साल पहले जो है PMIS 2019 हो चुका था, 2020 का PMIS था ये, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है PMIS PUBG India Series 2020, ठीक है? बट उसके पहले क्लच वहाँ पे क्या माइंड सेट चला था, या आपके जो IGL ने एक कॉल दिया वो रिवाइव का, या तो फिर रोई थी, ठीक है? इसलिए मेरी आंख ऐसी है। क्या चीजें थी? मैंने सोचा था कि मैं पुश कर दूं, बट मैंने देखा कि मेरा एक टीममेट अभी भी रिवाइवेबल पोजीशन में है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट रिवाइव। रिवाइवेबल पोजीशन में मामा आप देख लो, ठीक है? मैं आपके साथ ऐसा करूंगी ना। तो मैंने रिवाइव किया, बट देन रुक जा सुनने दो मैडम की बात, सुनने दो। एक बंदा उनका रिवाइव हो गया है, तो मैंने उसको बोला था कि हम लोग रुक जाते हैं थोड़ी देर। ओके, तो वहाँ पे उस मोमेंट में, क्योंकि एक और रिवाइवल वहाँ पे दिया जा रहा था, सो वो सिचुएशन 2-3 में हो गई थी। शायद आपने वो पुश करा तो 1-3 क्लच वो देखने को मिल सकता, बट एनीवेज वो रिग्रेट बाद में होता, बट एक्चुअली प्लेयर्स उससे लर्न करते हैं, यू गेट एक्सपीरियंस आउट ऑफ दैट फाइट। एग्जैक्टली, दैट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स। एंड जो फाइनल गेम रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज 8th एंड 9th की एक अलग से फाइट चलती है यहाँ पर, बिकॉज टॉप 8 विल बी गोइंग अप फॉरवर्ड। तो 9th जो 9th पोजीशन से 8th पोजीशन पर आना है आपको, तो आखिरी गेम में आपकी टीम का माइंडसेट क्या रहेगा? पहले आप थोड़ा पोजीशन को फेवर करेंगे, सर्कल में जाना फेवर करेंगे उसके बाद फाइट्स, या फिर इनिशियली आप योलो प्रॉपर एक फाइट से ले जाएंगे, वो आपका माइंडसेट क्या आपकी टीम ने डिसाइड किया? हमारी टीम का ऐसा रहा है कि स्टार्ट की फाइट्स इतनी वर्क नहीं करी हमारे लिए। अच्छा, सो वी विल गो फॉर पोजीशन एंड अबे सुन नो सर विल ट्राई टू टेक किड्स। अच्छा, ओके, नाइस नाइस। हां, इसी के साथ थोड़ा चलता है कि मैं एक कॉम्पी प्लेयर थी, एक इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला आपके लिए, एंड PMIS का जो जर्नी है आपकी आगे आने वाले टाइम पे वो भी डिसाइड करेगा ये मैच। जी हाँ, डिस्टेंस काफी ज्यादा नहीं है 9th और 8th के बीच में, एंड जैसे केतन ने बोला, हम तीनों की तरफ से गुड लक टू यू एंड योर टीम, होप यू गाइस मेक इट इन द टॉप 8, गुड लक फॉर द फाइनल मैच, वी विल सी यू इन द मैं दो चार चीजें मिस कर गया, एक सेकंड। अभी मत सागर जी की एक बंदा उनका रिवाइव हो गया है, तो मैंने उसको बोला था शायद आप मत अलग से फाइट चलती है यहाँ पर, तो आखिरी गेम में आपकी टीम का माइंडसेट क्या रहेगा? पहले आप थोड़ा पोजीशन को फेवर करेंगे, सर्कल में जाना फेवर करेंगे उसके बाद फाइट्स, या फिर इनिशियली आप योलो प्रॉपर एक फाइट से ले जाएंगे, वो आपका माइंडसेट क्या आपकी टीम ने डिसाइड किया? इनको कुछ नहीं पता है क्या करना है अभी, जितना भी आ रहा है ना, जो भी मुंह से निकलेगा सब डीलिंग होगी, क्योंकि भाई तुमने खेलते हुए देख लिया है, सिर्फ बस गन पकड़ा और बस भागने लगे अंधा पागल जैसा। तो अभी जो भी बोल रही होंगी ना ये, तो 2020 में तो बहुत वेरी प्रो प्लेयर लग रही होंगी, लेकिन अभी मैं बता दूं आप लोगों को, इनको घंटा कुछ नहीं पता था कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सुनते, अच्छा मैं उस वक्त कुछ काम कर रहा था, मैं कमेंट पिन कर रहा था मैं, लेकिन अभी डीलिंग सुनते हैं, सुनते गाइस। डीलिंग मतलब फेंकना, मतलब हमारे यहाँ वहाँ पे अलीगढ़ में डीलिंग फेंकने को बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकने वाली, आइए देखते हैं। तभी वहाँ इंग्लिश अच्छी नहीं होती है लोगों की। हमारी टीम का ऐसा रहा है कि स्टार्ट की फाइट्स इतनी वर्क नहीं करी हमारे लिए, सो वी विल गो फॉर पोजीशन एंड उस पोजीशन के साथ सर विल ट्राई टू टेक किड्स। ओके, नाइस नाइस। अच्छा, पॉज करो पॉज करो, मैं बताती हूँ। ठीक है, पहला मैच ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हम लोग जब किल्स लेने गए तो हम मर गए, ठीक है? सेकेंड मैच ऐसा हुआ कि पोजीशन आई और साथ साथ थोड़े से किल्स भी आए तो हमारा चिकन हुआ। तो इस हिसाब से बोला था मैंने कि पोजीशन के साथ साथ सर्वाइव करते करते किल्स लेंगे, तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? नहीं नहीं, मैं ये बस जानना चाहता हूँ, तुम्हें खुद को पता था कि ऐसा करने वाले हैं, मतलब तुम्हें पता रहता है, मतलब तुम्हारा गेम सेंस ये बोल रहा था, या तुम्हें ऊपर से ऑर्डर आया था कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये इतना मुझे तब था गेम सेंस। हाँ, अच्छा, तो ये कहना चाहती है तुम कि अब तुम्हारा नहीं है इतना गेम सेंस? नहीं है, इतना नहीं है। Yes, because वो एक important match रहने वाला आपके लिए। मुझे भी मुझे आज भी याद है, इस इंटरव्यू के टाइम पे चैट में हार्ट चल रहा था, हमें क्या पता था आगे चल के बधिर बनेगी। कौन है ये? दिव्यम दिव्यम
जो जर्नी है आपकी आगे आने वाले टाइम पे वो भी डिसाइड करेगा ये मैच। जी हाँ, डिस्टेंस काफी ज्यादा नहीं है नाइन्थ और एट के बीच में, जैसा केतन ने बोला, हम तीनों की तरफ से गुड लक टू यू एंड योर टीम, होप यू गाइस मेक इट इन द टॉप एट, गुड लक फॉर द फाइनल मैच, वी विल सी यू इन द बैटलफील्ड आई गेस। ओके, कितनी छोटू सी थी यार मैं। वो तो ठीक है, कैमरा